का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। की हाल है तुहाडा सारिआं दा? असीं सारे ठीक हाँ। आस करदे हां कि तुसीं भी सारे ठीक होवोगे। तो सब तो पहलां तुहाडे लिए कि अगर रिक्वेस्ट हैगी, अगर तुसीं मेरे चैनल ते नवें आए हो तो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करना, वीडियो नूं लाइक करना, कमेंट करके दसना कि साडियां वीडियोज़ किस तरह दियां लगियां। वीडियो नूं स्किप करके ना देखा करो, वीडियो नूं पूरा ही देखा करो। तो इधर इन्हां दोवां दा अज की आ, अज इन्हां दोवां दा रिजल्ट आ। असी चले इन्हां दे स्कूल, ते उस तो पहला तुहानू असी कल जोड़ी कुछ बनाया सीगा उहदा रिव्यू देण लगे आ। जरूर ट्राई करना, बहुत स्वाद लगती है। खा के तो वे चल, मैं भी अपने लिए एक बकरी बनाई है। देख देख खा के ना, मैं भी एक अपने लिए बकरी बनाई मैं मैंगो का शरबत ना पता की था, मैं मैंगो का शरबत काट दी कि लस्सी के पके तो असी बनाई है आइसक्रीम जाने के मटका कुल्फी दे जड़ा हैगा वा प्री बैट बनाया होया वा। तो बट साढ़े को मटका नहीं है, इस करके असी जेडे प्लास्टिक दे बाउल आ जाने के प्लास्टिक दे टिफिन आ कुछ आइसक्रीम वाले जेडे है तुसी वो बाकी वीडियो दे देख लेना कि असी के वेच इनू जेड़ा वा वो किया वा। तो इस करके रिव्यू दो दिलराज ते उमनप्रीत दी। इधर मुंह करो ना, किस तरह दी है? वेरी वेरी टेस्टी। मुंह दे विच खाई जांदी है, मिठी है, बर्फ भी जामगी विच। रियली ऑसम, फर्स्ट टाइम बनाई आ। ए सेम इहदा टेस्ट जेहड़ा हैगा वा ना बाबूड़े साहब मिलदी हुंदी आ खोए वाली कुल्फी, सेम टेस्ट हैगा वा। बस थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो रही है, कल दी लाइट जेहड़ी आ रुक टेके नहीं आ रही, तो थोड़ा कि जेड़ा ये लिक्विड रह गया ये, बाकी टेस्ट पक्षों कोई नहीं हैगा। तुसी भी बनाओ, अपने बच्चों को खवाओ, बच्चे खुश हो जाएंगे। पैसे ओमन दसा की कहता? कहता नहीं, ये मैं तुम्हें बाद दसूंगी भी ओमन की कहता। इस तो पहला तो रेसिपी देख के आओ, असी चले हैं स्कूल। तो ओमन किस तरह की लगी? मिठी मिठी। किस तरह दी आ? जिस तरह दी कुल्फी मिलदी उस तरह दी आ के फर्क आ? ए असली कुल्फी आ, ला नकली आ। ने थोड़ी ओदे नाल हेल्दी हो जुगी क्योंकि घरे बनी हुई आ ओ असली असली। बड़ी खुशी हो रही है भी इन्नी टेस्टी कुल्फी जेड़ी मैं बना ली। ते तुसी भी ट्राई जरूर करना है ना दिलाज। आहा दूध दूध यार टेस्ट होवे। दूध दूध ना बनाई ते दूध दा ही टेस्ट होना। नहीं तो मैं कमेंट करके दसो भी जिहड़ी चीज़ तो बनी है ओहदा ही टेस्ट आऊगा, जे दुध तो बनी तां दुध दा टेस्ट आऊगा, होर किसे दा तो थोड़ी आ जाणा। आइसक्रीम बनाने वास्ते यानी कि कुल्फी बनाने वास्ते जो मर्जी कह लो वो वास्ते आप पहला जिहड़ा वा पतीला उन्हें चंगी तरह ग्रीस कर लिया। हुण इहदे विच दुध पा दिता है, ये तकरीबन 2-2.5 किलो के करीब दुध सीगा। ये दुध मेरा कड़िया होया तो मैं मलाई समेत ही पा दिता है। तो दुध में बहुत वधिया उबाला जिहड़ा आ गया, आप थोड़ा चिर उबालेंगे तो जिन्ना चिर दुध उबलता उन्ना टाइम आप इधर एक पैन के थोड़ा मैं घ्यो लै लिया है, यानी कि 2-3 चमच घ्यो लै लिया, तो 4-5 चमच जिहड़े आटा पा लिता है। तो इहनू हुण आप आटे में थोड़ा भुन्नांगे, यानी कि गोल्डन ब्राउन करना, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। आटा अपना चंगी तरह जिहड़ा है भुज चुका वा, तो हुण आप इहनू थले ला लेंगे तो एक वक्रे बर्तन के पा लेंगे। आप प्लेट च कढ लिया, इन थोड़ा क फैला देंगे ता जो ठंडा हो जाए। दुध जिहड़ा बहुत वधिया उबाला आ गया वा, तो हुण वो जिहड़ा आटा ठंडा हो जूगा तो मिक्स करके आप इहदे विच पा देंगे। उन्ना टाइम आप जिहड़े आ बर्तन साफ कर लैने आ। जिहड़ा आटा है इहनू इधर कौले च पा लांगे, ठंडा हो गया बिल्कुल। तो इहनू आपां थोड़ा थोड़ा दुध पा के मिक्स करांगे।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਗਿੱਠਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕਦਮ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਗੈਸ ਔਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉਬਾਲ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਫੁੱਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਬਲ ਕੇ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਉਹ ਪਾਉਣੀ, ਵੱਧ ਪਾਉਣੀ, ਘੱਟ ਪਾਉਣੀ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾਉਣੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੰਡ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੋਰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਆਈ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡੀਗਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਲਾਈਟ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦਿਲਰਾਜ ਕੌਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਆ ਉਦੋਂ ਫਟਾਫਟ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਜੇ ਬਹਾਨੀ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਿੱਕ ਕਰਦਿਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਸ ਕਿਹੜੀ ਮੰਮਾ ਬਣ ਗਈ, ਮੰਮਾ ਬਣ ਗਈ, ਮੰਮਾ ਬਣ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦ ਕੜਾਈ ਗਰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਤੀ ਗਈ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੜਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇਲ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਠੰਡ ਆਪੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਿਊ ਟ੍ਰਿਕ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਆ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਿਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਥਿੱਕ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਫਟ ਸੋਫਟ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਵਾ ਭਰ ਗਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ 'ਚ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 1 ਵਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਜੰਮਣ ਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਓਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਪਨੀਰ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਓਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੰਚੀ ਕਰੰਚੀ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੇਮ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਓਇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸੇਮ ਓਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਅਜਵਾਇਣ, ਜੀਰਾ, ਸੌਂਫ, ਸਾਬਤ ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰਾਈ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇਕੱਲੇ ਪਿਆਜ਼, ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਭੁੰਨਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਹਰੀਆਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ।
हूँ आप पा देंगे टमाटर, तो टमाटर थोड़ा चिर भुनागे, उन्होंने जल्दी भुनने लिए नमक पा देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक पा सकते जिन्ना तो सूँ ज़्यादा खाना घट खाना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तड़का अपना चंगी तरह भुजदा हुंदा अपना नॉर्मल मसाले पावांगे, हल्दी मते गरम मसाला ते विच थोड़ी जी लाल मिर्च पा देंगे, ज़्यादा मसाले नहीं पावांगे क्योंकि ऑलमोस्ट आप जो साबित मसाले आ जो पा चुके हूँ। थोड़ा चिर इन भुनागे मसालों ता कि जो मसाले का कच्चा पाना और निकल जाए। हुण आपां विच इहदे शिमला मिर्चा पा देंगे, शिमला मिर्चा दे विच थोड़ा मसाला रला के फिर विच पनीर पा देंगे, तो जिहड़ी अपनी सब्जी आ एकदम रेडी हो गई। थोड़ा चिर जिहड़ा ढक के आपां दम दवावांगे तां जे जिहड़ी आ इहदे विच जिहड़ा मसाला उह चंगी तरह चलिया जावे। शिमला पनीर दी सब्जी आ बण के रेडी हो गई आ, बहुत स्वाद बणी, स्वाद नहीं खाधी नहीं हैगी पर वेखण नूं लग पई आ जिवें बहुत स्वाद बणी हुंदी आ। चलो आपां हुण फुलके बना लईए। डेढ़ घंटा हो गया रखे नूं ते बिल्कुल जिहड़ा जम्मन की कंसिस्टेंसी दे विच आ गया। वेखो तुसीं वेख सकदे काफ़ी संघना हो गया, तो हुण आपां इहनूं फिर दोबारा जार दे विच पावांगे ते इहनूं फिर चला के ग्राइंड करांगे सारे नूं। इहनूं आपां ग्राइंड कर लिता है ते आ तुसीं देख सकदे किन्ना फलपी फलपी जिहा हो गया, विच जिद्दां दुध फुल गया है। तो हुण आपां इहनूं कढ लवांगे। इह जिहड़ा मिक्सचर आ उह आपां इहनां दे विच भर के ते हुण जिहड़ा वा जमाउण रख दांगे। मेरे को जो भी हैगा मैं वो जमा रही हाँ। एक कुल्फी बनाने वाला ज़्यादा पै गया, एक चीज़ दिखाव मक्खियाँ आ गई दो मक्खियाँ नहीं ड्राई फ्रूट नहीं पाना, तो हूँ जो दूसरा वो भी करके सारे भर के तो फिर तुम दिखाऊंगी। ये आप भर लिते हैं सारे जोड़ा वा दुध आ जोड़ा आप संघना किया हूँ। आप उपर सिल्वर फॉइल ला देंगे ता कि जेडे दे बन जाते आइस क्रिस्टल जोड़े होंगे यानी कि बर्फ जम जाती है वो नहीं जमूगी। तो ये वाला जोड़ा कुल्फी वाला वा ये उपर आप इस करके इन्हों आप सारे तो उपर सिल्वर फॉइल ला के जेडे उपर इन्हों के एयर टाइट ढक्कन वो भी ला दते हैं। कुछ ढक्कन जेड़े थोड़े नहीं लगन गए तो कोई नहीं, डरन की कोई लोड़ नहीं। इस तरह वे कुछ जिदा ढक्कन नहीं लगता पे इन आप कोशिश करा इदा ही रख देंगे। तो यह जी आइसक्रीम वाली जी है ये भी ढक्कन नहीं लगे नहीं आप इदा रख देवे। चलो हूँ आप इन्हों ओवरनाइट फ्रिज के रख देवे तो फिर सवेरे दिखाने तहानू कि किस तरह की बनी है। फिर बस कल बने मच्च दी गलासी पा के एक बिच चमचा पाता बड़ी मिठी है। इन्ना भी सबर नहीं है स्कूलों आंदियाँ हूँ असं तो रहे आंदे ने पहला कुल्फी कट कर दी। वैसे उमन बड़ी टेस्टी बनी है ना। लाइ मेरी पानी लग गया फर्स्ट टाइम मैं भी पीता ही ना मैं चावन दे बिल्कुल हार्ड जेडी कुल्फी आ जेडी कुल्फी सही बनी है। ए जेडी ये नीचे सीगी वो ऊपर इना इना दे ऊपर बॉक्स सीगे ते इस करके ओना दे थोड़ी काट बनी है। ए जेडे बॉक्स दे विच कुल्फी एकदम सही जमी है। देखो इनु काट इनु थोड़ा टाइम मेल्ट होन दवांगे तो फिर ये खादी जाऊगी। बहुत ज्यादा हार्ड है ना वेख और बिल्कुल कुल्फी जिस तरह मटके वाली कुल्फी निकल गई ना खाने। ये वाला बॉक्स चंगी तरह जो बन गया इन्हों फिर वापस भी चढ़ा देंगे। इन्हों का रिव्यू जरा शहबाज होना को लवेंगे। आने खा लेंगे आंदा पहले कोई काम नहीं फ्रिज चो आइसक्रीम बस आखो कौन आया ओ सत श्रीकाल जी वधिया बाज हां कितों आया लांदा कितों आया गोलू भाई है कितने है आंदे जी जी पहला दस कितों आया किथे दिखा चल अपन ले मेनू पैसे दिखा मेनू पैसे दिखा दीदी ओए बाज केवें दी लगी कुल्फी हैं छादा हैं टेस्टी है चेतन जोत रिव्यू दो कुल्फी एक्सचेंज किदा लगी टेस्टी टेस्टी है तो
ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ